आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई। कल लंच के बाद करीब 2:30 बजे पर सुनवाई होगी। मुकुल रोहतगी ने अपनी सारी दलीलें पेश कर दी हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में 11 नवंबर के आरोपी मनीष राजगरिया को 2.4 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन अब उनके वकील अजय दुबे ने कहा कि मनीष को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अपनी दलीलों में मुकुल ने कहा कि उन्हें एनसीबी या अभियोजन पक्ष से किसी से भी कोई शिकायत नहीं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ खड़े हैं और मुझे लगता है ये जमानत का एक उपयुक्त मामला है। मुकुल रोहतगी ने साथ ही कहा कि मुझे बेतुके विवाद से कोई सरोकार नहीं। उनके बाद जब अरबाज मर्चेंट की तरफ से वकील अमित देसाई उनका पक्ष रख रहे हैं, उनके बाद अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने भी उनका पक्ष रखा। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में ये भी कहा कि आर्यन 20 दिन से जेल में हैं। अगर वो इतने बड़े परिवार से नहीं होते तो यहाँ इतनी हलचल नहीं होती। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में यह भी कहा कि जो भी चैट है उसे साबित करना होगा। आर्यन लगातार अपनी बात दोहरा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, किसी को प्रभावित भी नहीं किया। आर्यन ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया, जबकि एनसीबी का कहना है कि आरोपी और सबूतों को प्रभावित किया जा रहा है।